नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं कुछ खास एजेंडे और कुछ खास लोगों के साथ, और आप सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए या देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। 69वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बड़ा सवाल, 68 साल के बाद आजादी के मकसद को हासिल करने में कितने हुए हम कामयाब। चलिए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम 69वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे हैं, जश्न की तैयारियां भी होनी चाहिए और वो हो भी रही हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था आज़ादी को लेकर के, आज़ाद भारत का, क्या वाकई में 69-70 साल बाद भी हम उसे पा पाए हैं? क्योंकि तमाम आंकड़े ऐसे कहते हैं कि अभी भी हम दुनिया में काफ़ी पीछे हैं। अभी भी 85% लोग ऐसे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है, हर एक 20 सेकंड में एक बच्चे की मौत होती है। तमाम ऐसे आंकड़े, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हैं, पहले उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। हरिकेश बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सांसद। हमारे साथ जीव देवराजन साहब हैं, नेता फॉरवर्ड ब्लॉक के। हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अवधेश जी आपसे ही, हम सब जश्न तो मना रहे हैं लेकिन वाकई में ये आज़ादी क्या आपको लगता है अधूरी आज़ादी है? अभी भी तमाम जगहों पे जो आंकड़े आ रहे हैं अंधविश्वास के, महिलाओं को इसलिए मार दिया जाता है, डायन कह करके मार दिया जाता है, लोग बांस के पुल पर चल करके रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति है, जान हथेली पे लेकर के स्कूल जाने पड़ रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई बार बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे की जो बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, वो सवाल पूछ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन 69 सालों को? देखिए, आपने जो कुछ आधार भूमि बनाई है अपने प्रश्न का, उसके आधार पर देखें तो लगेगा कि हमारा भारत वाकई जो है आज़ादी के बाद हमने कुछ हासिल ही नहीं किया। न एक राष्ट्र के नाते हमने प्रगति की वैचारिक स्तर पर, न व्यवहारिक स्तर पर, न तो ये थोड़ा एक पक्षीय बात हो जाएगी। जो कुछ आपने कहा वो भी सच है, वो उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप उसकी तुलना 1947 से पहले की स्थिति से करेंगे तब आपको सही उसकी स्थिति बनेंगे कि हम कहां पहुंचे हैं। 1947 के पहले आप उन आंकड़ों को लीजिए कि 1000 में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती, शिशु मृत्यु दर कितना था और आज कितना है। जो आज जो महिलाओं के साथ उस समय क्या सिचुएशन था, आज क्या है। जाति के आधार पर दलितों के साथ उस समय क्या था, आज कहां है। तो वो किसानों की स्थिति सब कुछ मिलाएंगे आप अपने देश के खजाने की स्थिति, तो एक मिश्रित भाव आएगा और ये पाया जाएगा कि ये देश अपनी अस्मिता के पहचान के लिए संघर्ष करते हुए और अपने सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए बहुत कुछ प्राप्त करने की ओर अक्सर है, बहुत कुछ प्राप्त किया जाना है, उसमें अभी बहुत चीजें छूटी हुई हैं। तो जो कुछ आप कह रहे हैं वो छूटी हुई है भैया। 191 करोड़ का आपका पहला बजट था, इस बार आपने 17 लाख करोड़ का इतना बजट बना दिया, ये किसने सोचा था? आप ये तो कल्पना करिए ना, उस समय आपकी 32 करोड़ की आबादी थी, आप एक अरब 30 करोड़ आप हो चुके हैं जिस समय आपकी आजादी हुई है। इस समय मेरा सवाल इसलिए था कि असमानता बढ़ी है क्या? पहले देश गरीब था, आज हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो गरीब और अमीर का फासला है वो काफी हद तक बढ़ा है। अमीर काफी अमीर हुए हैं, मध्यम वर्ग काफी उच्च स्तरीय हुआ, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि बहुत बड़ा है, 20-30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तो सवाल तो उठता है, 70 साल में हमने क्या वाकई में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, क्या ये स्पीड सही थी? सवाल मेरा ये, मैं इससे भी यहाँ सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये कई बार क्या होता है कि जब हम अपने नजरिया का परित्याग कर देते हैं, गांधी जी ने और विवेकानंद जी ने बहुत कुछ कहा कि दुनिया के आरोपित व्यवस्थाओं के अनुसार अगर भारत चला तो वो भारत नहीं रहेगा। हमारे देश में व्यक्ति इकाई कभी रहा नहीं है, परिवार इकाई रहा है। उसमें अगर 5 बूढ़े 1 पैसे नहीं कमाते हैं तब भी वो गरीब नहीं माने जाएंगे, अगर उनके घर में 4 नौजवान कमाने वाले हैं। तो जो ये सारी चीजें को दिक्कत आ रही है कि जो आंकड़े हम लाते हैं वो इंडिविजुअल आधार पर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने एक मानक दुनिया में बना दिया है उसके आधार पर देखते हैं और हम पाते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे देश में
पीछे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ापन है, लेकिन हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो उन्नयन हुआ है व्यापक पैमाने पर, उसको भी हम कतई नकार नहीं सकते हैं। और वो सब आप थोड़ी देर, आप मुझे अगली बार जब आएंगे तो मैं हो सकता है तब तक कंप्यूटर से कुछ आंकड़े भी निकाल लूं, उसके आधार पर आपको बता सकूं कि असमानता और बाकी 47 और आज में कितना अंतर आ गया। आंकड़े निकालने के लिए आपको ज्यादा समय देते हैं, इसी बात, इसके लिए एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद, कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं कि हम 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन वाकई में इन 69 सालों में जितना हासिल करना चाहिए था क्या उतना हासिल हुआ है, क्योंकि कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान नंद किशोर गग जी जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हरकेश जी, अब मेरा अगला सवाल लेकिन आपसे होगा, वाकई में 69 साल में हमने तरक्की काफ़ी की, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, GDP की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत आगे हम बढ़े हैं, लेकिन अभी भी एक समाज है जो जहाँ तक उस विकास की किरण नहीं पहुँची है, वजह उसकी क्या मानते हैं आप, और वाकई में जो जो रफ्तार रही है उस रफ्तार को कितना आप जेन्युइन मानते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, समय कम है लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहूँगा। अवधेश जी कुछ बात कहे हैं वो बहुत रेलिवेंट है, ये सच है। हम अपने आज के कम से कम 60 साल पुरानी बात आपको बता रहे हैं। सुई जिससे बटन लगाई जाती है, बटन लगाने के लिए यूज करते हैं, वह भी जो सुइयां आती थीं उस पर मेड इन इंग्लैंड लिखा रहता था। टार्च जिसके घर पर मेड इन USA टार्च होता था वो बड़ा आदमी माना जाता था। और ये स्थिति थी कि जिसके घर में एक रैले साइकिल हुआ करती थी और एक BSA साइकिल होती थी मेड इन इंग्लैंड बनी हुई, जिसके घर में होती थी वो बहुत बड़ा आदमी गांव में माना जाता था। तो इस तरह की पोजीशन में आप थे जब आप आज़ाद हुए, और आज आप कहां पर हैं कि आप एक न्यूक्लियर वर्ल्ड के सिक्स्थ न्यूक्लियर पावर हैं, फिफ्थ स्पेस पावर हैं आप वर्ल्ड के, आपकी मिलिट्री चौथे नंबर की है, फूड में आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और दुनिया के तमाम बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने किया है। यह लेकिन ये जैसा कि कहा अभी उन्होंने अवधेश जी ने कि उस समय पॉपुलेशन 30-32 करोड़ थी, आज 125-30 करोड़ हो गई है। तो जिस रफ्तार में ये आबादी बढ़ी है, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, वो पूरी तरीके से उसको, सारी आबादी को पूरी तरीके से हर तरह से संपन्न बनाने या सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। अभी मैं कल आ रहा था लखनऊ से शाम को, तो मैंने देखा कि हमारी ट्रेन आ रही थी, शताब्दी से मैं आ रहा था, अब बगल के ट्रैक से हर 10 मिनट के बाद एक कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस पास हो रही थी या राजधानी पास हो रही थी। इतनी ट्रेनें जा रही थी कि मैं ही सोच रहा था हर 10 मिनट के बाद इतनी फास्ट ट्रेनें जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, आपके पास न्यूक्लियर पावर है, बड़े बड़े डैम हैं, तब जो PL-480 मंगा करके आप खाना खाते थे बड़ी मुश्किल से, उसके लिए तमाम शर्तें लगती थी, आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर आप हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत काफ़ी विकास हुआ है, और सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। जितनी भी सरकारें बनी आज तक, सबने कुछ न कुछ किया, सबने उसको आगे बढ़ाया है, लेकिन जितना अपेक्षित है वो शायद नहीं हो पाया। उसके पीछे मैं देखिए मूल कारण मानता हूँ, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है ये इसका मूल कारण है। अब तक हम काफ़ी आगे हो गए होते, हमारे बगल में जो देश है, पड़ोसी देश चीन, वो काफ़ी आगे है। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम का भी फर्क पड़ता है, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें तमाम विकास के भी काम में प्रतिरोध पैदा होता है, प्रदर्शन, धरना, ये वो स्टे आर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें, उनके वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, उनके वहाँ एक बार आदेश होता है और काम शुरू हो जाता है और काम कंप्लीट होता है टाइम में। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मूल कारण मैं भ्रष्टाचार मानता हूँ। और इस भ्रष्टाचार की जड़ में क्या चीज़ है,
हमारी जितनी बुनियादी संस्थाएं हैं, बुनियादी संस्था मानते हैं शिक्षा संस्था को, हम बुनियादी संस्था मानते हैं लेजिस्लेचर को, हम मानते हैं जुडिशियरी को, मीडिया को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इन सब को हम मानते हैं। ये सब बुनियादी संस्थाएं हैं जो समाज को शेप अप करती हैं, उनके लोगों के दिमाग को बनाती हैं। इनमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार सब में फैल गया है कि जैसे स्वस्थ दिल दिमाग के नागरिक बनने चाहिए जो देश के निर्माण में और तन मन धन से काम करें, जिस प्रकार के जज्बात को लेकर के लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, काला पानी हुई, मारे गए, टॉर्चर करके उनको उनकी हत्या की गई, ये कितने दंड हुए, कितने कितने सालों तक लोग जेल रहे, जवाहरलाल नेहरू तक लगभग 20 साल तक जेल में रहे, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बड़े बड़े नेता सारे सब जेल में के ही अंदर रहे। गांधी जी के सेक्रीफाइसेज के बारे में आपको पता ही, अब किसका किसका नाम लें, कहने मतलब उन लोगों ने क्या सोच करके इस देश को आज़ाद कराया था, वो इसीलिए कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारा देश आज़ाद, हर नागरिक को स्वतंत्रता मिलेगी, तो इस देश का तेजी से विकास होगा, वो पढ़ेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, देश के उत्थान के लिए काम करेगा, मानवता की भलाई के लिए। हमारे देश का तो रहा है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लोकचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये इस देश की फिलासफी रही है, ये संसार की शायद यूनिक फिलासफी है जो कि हमारे देश के अंदर रही है। उस देश के लोगों ने जो त्याग करके इस देश को आज़ाद कराया, वो इसलिए नहीं कराया था कि बेतहाशा भ्रष्टाचार फैले, जो आज बड़े बड़े लोग रिटायर हो रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के लोग बन करके रिटायर हो रहे हैं, उनका पता नहीं चलता है, उनकी अगर सबकी जांच करा ली जाए तो आप देखेंगे कि अगर सही जांच हो तो 99% जेल के पीछे होंगे, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कितना धन कहां से आया। लेकिन आज यह देश की स्थिति बनी हुई है, संभ्रांत बने हुए हैं, दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, किसी को अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, सबको दूसरे की बुराई दिखाई देती है, ये हमारे समाज की अजीब अजीब तरह की विडंबनाएं हैं, इस वजह से देश आज पीछे है। दिलीप जी, आप जाऊंगा पहले देवराजन साहब, चलिए देवराजन साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विषमता की बात है, जो निश्चित रूप से हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ हासिल किया है इन 69 सालों में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो रफ्तार रही है वो उस रफ्तार से नहीं हुआ है। असमानता समाज में आपको लगता है बढ़ी है, काई जो है, जो एक तबका ऐसा है जहाँ तक बिल्कुल विकास नहीं पहुँचा है, तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो कि हमको चिंताजनक स्थिति पैदा करते हैं। अगर हम बाकी ऐसे मुल्कों से तुलना करें, दक्षिण कोरिया और बाकी जगहों से, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारी रफ्तार धीमी रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सायं संध्या पर हम लोग, कल तो हम लोग का जो आज़ादी का दिवस जो मना रहे, तो हम इस आपका जो प्रश्न है, हम उसको दो हिस्सा में हम बोलना चाहते हैं। एक है, आप जो आज़ादी का 7 शतक के बाद हम लोगों ने क्या हासिल किया है और हम लोगों के क्या होना चाहिए था, कहां तक हम लोगों ने पहुंचा है। दूसरा है, ये 7 शतक के अंदर हम लोगों ने जो देश की आज़ादी का लड़ाई का जो इतिहास किस प्रकार हमारा नया पीढ़ी के पास पहुंचाया है, और क्यों हमारा देश के अंदर अभी देशभक्त लोगों का कमी नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली नौजवानों के अंदर, ये जो हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है, ये दोनों हम अलग अलग से हम बोलना चाहते हैं। एक मिनट टाइम हमको देना ही। एक, आप देखिए, आजादी का 7 शतक के बाद हम लोग अगर देखेगा तो यहाँ पर हरकेश जी ने कहा है चीन की बात, उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, हम लोगों का आजादी मिलने का 2 साल के बाद ही चीन की आजादी हुआ है। आज चीन दुनिया को सब जगह पर मुकाबला करने के जगह पर पहुंच गया है। ऐसे बात नहीं है हम लोगों का देश उस जगह पर पहुंचा नहीं है, हम लोगों का भी जो स्वाभाविक जो ग्रोथ जिस जगह पर होना था, उसी ग्रोथ हम लोगों को हुआ है। उन्होंने कहा है टॉर्च पहुंचा है, तो था उस जमाने में वही बड़े आदमी माने जाते थे, अभी हमारे यहाँ पर ही कारखाना हुए है। जरूर है कुछ स्वाभाविक जो डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर होना चाहिए था, वही डेवलपमेंट ही हमारे देश के अंदर हुआ है। अगर हम लोग, अगर हमारा आबादी उसी का सभी का दोष अगर माना जाएगा, तो मैं उसी में सहमत नहीं हूँ। इसलिए है हमारे देश में किस काम की हम लोग प्लानिंग कमेटी बनाया है, किस बात की था हमारा प्लानिंग का जो योजना, क्यों, कितने लोग हैं आपका देश में, कितना संपत्ति है आपका देश में, ये संपत्ति इतना लोगों को किस प्रकार आप बंटवारा करेंगे, किस प्रकार की तरक्की करेंगे, यही तो योजना के काम है। क्यों हम लोग इस प्रकार की योजना क्यों नहीं बना पाए? 38 करोड़ आबादी थे हमारा देश आजाद होने के समय, इस वक्त हम लोग बोलते हैं 125-30 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। ये तो इतना आबादी, 2.17% आबादी हर साल में बढ़ती है, अगर इस हिसाब से आबादी बढ़ने का आंकड़े हम लोग पकड़ गया, तो इस हिसाब से आपको रास्ता तैयार करना है, उस हिसाब से आपको ये हॉस्पिटल तैयार करना है, स्कूल तैयार करना है, सब कुछ उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए था। कहां पर आपका दोष हुआ है, कहां पर आपका ये दिक्कत हुआ है, आपका प्लानिंग में गलती हुआ है।
ये प्लानिंग हमारा देश के अंदर कुछ पूंजीवादी लोगों का हित के लिए किस प्रकार की प्लानिंग हुआ है उसी के चक्कर में हम लोग आकर के क्या हो गया, एक कृषि प्रधान राज्य देश है हमारा, यहाँ पर आज भी करीब करीब 60% लोग कृषि से अपना उपज मिलते हैं, अपना रोटी कमाते हैं। यहाँ पर आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आजादी का 7 दशक के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आजादी मिलने के समय हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ नौजवान लोग बेरोजगार थे, आज करीब करीब 20 करोड़ नौजवान लोग हमारे देश में बेरोजगार है। आपको याद है, जरूर है, आपका पूरा यूरोप का आबादी कितने है, पूरा यूरोप का आबादी सिर्फ 15 करोड़ है, आपका उत्तर प्रदेश का आबादी 21 करोड़ है, उसका मतलब यूरोप से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर आज बेरोजगार है। क्यों आज भी हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 40-50% लोग अनपढ़ क्यों है, लिखे पढ़े जानता नहीं क्यों? हम लोग आंकड़े देखेंगे तो बताएंगे हम लोगों को 60-70% हम लोग लिटरेट हो चुके हैं। क्यों चुनाव के समय आज भी हमको एक सिंबल लेकर के चुनाव लड़ना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या होते हैं? जो वोट देने वाले जो लोग जाते हैं बूथ में उसको उम्मीदवार का कैंडिडेट का नाम पढ़ना आता नहीं है, सिंबल देकर के वोट देना पड़ती है, इसलिए आज भी हम उसी का सहारा लेना पड़ती है। और दिखाएंगे हम लोग 60% हम लोग लिटरेसी हुआ है, कितने किस जगह पर हम लोगों का शिक्षा पहुंच गया है, इतना कमर्शियलाइजेशन कमोडिफिकेशन इसी जगह पर पहुंच गया। आज हिंदुस्तान की कोई भी एक मिडिल क्लास परिवार का जो आय होते हैं उसका ज्यादातर पैसा किस बात की खर्चा करना पड़ते हैं, बच्चा लोगों का पढ़ाई और चिकित्सा के लिए, ये दो जगह पर इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट कहां पर है, हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा मलेरिया पेशेंट कहां पर है, हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे कॉलरा पेशेंट कहां पर है, हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट कहां पर है, हिंदुस्तान में है। कितने हैं ये आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़े है। हिंदुस्तान में हर रोज 1600 लोग ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मर जाती है, मतलब साल में 5 लाख लोग। अब देखना 5 लाख लोग मतलब ये कोई भी यूरोप का कोई देश का 1/4 आबादी है मर जाती है हिंदुस्तान के अंदर। इसी प्रकार आपका चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, खेती सब कुछ खत्म है। कुछ जगह पर इंडस्ट्रियल काम हमारे देश में होते थे, छोटे मोटे कारखाने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में आकर के विगत 2-2.5 दशक के अंदर हम लोग वह भी बंद कर दिया है, अभी विदेशी कंपनी के चंगुल में हम लोग चले आए हैं। जो विकास हुआ है, हम नहीं बोल रहे विकास नहीं हुआ है, किसका विकास हुआ है, पूंजीवाद। आपने ठीक ही कहा, जो किस लोग जो अरबपति हो गया है, जो इसी प्रकार पूंजीवादियों का एक कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड एक डेवलपमेंट हुआ है। हम एक मिनट में उसका एक उदाहरण देखना चाहते, एक हम बोलना चाहते हैं। देखिए अभी बोलते हैं, जो कांग्रेस बोलिए, यूनाइटेड फ्रंट का सरकार बोलिए, बीजेपी की सरकार जो 6 साल पहले का था, अभी का 1 साल हो गया, 7 साल की बीजेपी की सरकार जो भी हो, सभी बोलते हैं देखिए कहां विकास नहीं हुआ, सभी के हाथ में मोबाइल फोन पहुंच गया है, विकास नहीं हुआ। सभी के घर में फ्रिज पहुंचा गया है, लैपटॉप पहुंच गया है, विकास नहीं हुआ। देखिए मोबाइल फोन का कनेक्शन से लेकर के हैंडसेट तक जो बना रहे उसका फायदा कौन उठा रहे? एक सैटेलाइट हम लोग जो आकाश में भेजते हैं, हम लोग आसमान में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक सैटेलाइट का खर्चा है 350 करोड़ रुपया, इसका फायदा किसको मिलते हैं, उसका इसका फायदा कौन उठाते हैं? एयरटेल, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सभी है। हैंडसेट किसका है? एलजी का, सैमसंग का, सोनी का, एक्सपीरिया, तमाम मुद्दे हैं। तब कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड एक डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है, ये हम बोलना चाहते हैं। ये जरूर जो हमारा जो मूल आबादी है उसके लिए जो विकास किस प्रकार का प्लानिंग होना चाहिए था, हमारा देश में हुआ नहीं, नहीं हुआ। हम प्लानिंग की कमी आप हम जरूर कहेंगे आजादी के इतिहास में। अभी हरकेश जी ने जो बात नाम कुछ संक्षेप किया है, पर सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं बोलने में वो भूल ही गया है, उसी के बारे में बोलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आगे आगे आपसे चर्चा करेंगे। गर्ग साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, दो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, एक वो भारत, एक वो इंडिया है जो बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा है, एक वो इंडिया है जो अब तमाम देशों की सैटेलाइट भेज रहा है। लेकिन एक तरफ उसी भारत के अंदर हम बुलेट ट्रेन की भी बात करते हैं और वहीं पर हम देखते हैं एक बाढ़ आ जाती है तो कई लोगों की मौत हो जाती है, हमारी पटरियां तक ठीक तरीके से नहीं काम कर रही हैं, हम मैकडोनल्ड में जो है खाना भी खाते हैं और तमाम बच्चे ऐसे हैं जो कि कूड़े बीन करके, 4 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो कूड़े बीन करके जो है वहाँ से भोजन खा रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं, जो बड़ी असमानता बढ़ी है, इस खाई को कैसे थामा जाए, क्या योजना में कमी रही, क्या वजह मानते हैं कि खाई बढ़ती जा रही है? मैं समझता हूँ एक तो नज़रिए का ज़्यादा जो फेर है, आज मीडिया की नज़रों में 4 लाख कूड़ा बीनने वाली फिगर जो आ जाती है, 38 करोड़ से 130 करोड़ हुए हैं,
सबसे बड़ा देश लगभग है चीन के बाद। परसेंटेज के अंदर कोई भी बीमारी मैं समझता हूँ उतनी ज्यादा नहीं जितने हम लोगों का नजरिया हो गया अपने को कोसने का, अपने को गाली देने का और अपने को हीन भावना दिखाने का। तो आकलन करने में सारे मॉडल इस देश में सारे मॉडल सभी पार्टियों के चल रहे हैं। बंगाल में भी 40 साल एक मॉडल चला है जहां हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक के साथी जहां पार्टनर रहे हैं। जयललिता का मॉडल भी चल रहा है तो नीतीश कुमार का भी चल रहा है, शिवराज का भी। सब मॉडल के अंदर से कुछ चीज निकल के भी आ रही है। इस देश में सभी पार्टियों ने बहुत कुछ किया होगा। सबसे बड़ी जो चीज लूज की जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार तो कहा, मेन बात चरित्र की है। हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें चरित्रहीन बना दिया है और केवल पैसा और आंकड़ेबाजी भी केवल हम वो कर रहे हैं जो वेस्टर्न लोगों ने जो आंकड़े बनाए उनके मापदंड पर अपने को तोलते हैं और उसके तोलने में हम अपने आप को घटिया कह के इस देश में नेगेटिविज्म नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इस देश ने तरक्की, इस देश के लोगों ने बाहर जाकर इन्हीं इज्म के अंदर जाके अमेरिका के अंदर जाकर अमेरिका के हमारे सबसे बढ़िया डॉक्टर, सबसे बढ़िया इंजीनियर, सबसे बढ़िया साइंटिस्ट और सबसे बढ़िया सॉफ्ट इंजीनियर क्यों हैं? कहीं तो सीईओ बनाए जा रहे हैं, कचाई बन रहा है कहीं पे, कोई बन रहा क्यों बन रहा है? हमारे यहाँ है, हमने जो एक एटमोसफेयर देना था अपने लोगों को, एक सही एटमोसफेयर हमने नहीं दिया और उसके अंदर हमारी शिक्षा पद्धति, ये थोड़ा सा इशारा हरकेश किया था, शिक्षा पद्धति हमने मैकाले वाली जारी रखी हुई है। प्लानिंग कमीशन हमने वो रशियन मॉडल पकड़ दिया, नरसिम्हा राव जी ने उसको रिवर्स किया, उसके बाद कुछ अलग तरक्की के 90 तक हम चीन और भारत बराबर थे। हम चीन को गुलाम क्यों कह रहे हैं ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। चीन कभी गुलाम नहीं था, राजशाही से कम्युनिज्म आया है, परंतु हमारे सब पॉलिटिशियन सारे पत्रकार, चीन 2 साल बाद आजाद हुआ, तो आजाद तो वो था हमेशा, कब प्रतंत्र था, किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर था। हमारी सोच के अंदर जो किसी ने पढ़ा दिया वही मेरा एंकर बोले, जापान चाइना का अटैक नहीं किया, अटैक किया हुआ, गुलाम कभी नहीं रहा है। जो भी रहा हो लेकिन शासन चीनियों का ही था, चीनी का है, चीनियों का शासन, चीनियों का था। वो इशू नहीं है, इशू क्या है, आज चीन के अंदर डेमोक्रेसी होती तो शायद उतनी प्रोग्रेस 20 साल में नहीं हो पाई, नहीं होती। हमारी ताकत भी है डेमोक्रेसी, हमारी कमजोरी भी। अब ये 20-22 दिन से तमाशा देश देख रहा है, किस बात का तमाशा देख रहा है? कोई समझदार व्यक्ति कहता है कि ये गलत हो रहा है तो कहते हैं ये पूंजीपति है। भाई बिना पूंजी के देश चलेगा क्या? पूंजी भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, मेहनती लोग भी चाहिए, चरित्रवान लोग भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए, किसान भी चाहिए। हम कब तक कहेंगे किसान 60% है, जब आज हमारा किसान 60% से इसको दूसरा वैकल्पिक रोजगार देना है। 20 करोड़ आपने बोल दिया बेरोजगार है, सारे पॉलिटिकल लोग एक फिगर बोलते रहेंगे। मैं कह रहा हूं दिल्ली में आदमी नहीं मिलता, आज की तारीख में मेहनत करने वाला मजदूर मैं ढूंढता हूं तो दिल्ली में मजदूर नहीं है, दिल्ली में अच्छा ड्राइवर नहीं है, दिल्ली में अच्छा मैकेनिक नहीं है, दिल्ली में अच्छा बाल काटने वाला नहीं है, दर्जी नहीं है। फिर हम रोना रोते, अरे इनको स्किल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने कहा, इनको काम जो ट्रेडिशनल काम थे वो बंद हो गए। घर के अंदर सुनार का काम सीखता था, दर्जी का सीखता था, लोहार का सीखता था, गाँव में एक सेल्फ सफिशियंट यूनिट थी, हल ठीक करने वाला भी था, हल बनाने वाला भी था, आज कहाँ गए सब? आज सारा का सारा अपना ट्रेडिशनल सिस्टम हमने समाप्त कर दिया, केवल बाबू इकट्ठे कर दिए। मैं कह ले कि 10वीं 12वीं पास, मेरे सुबह से शाम तक कौन आता है? चपरासी लगा दो जी, कहीं काम दे दो, क्या काम आता है? काम तो कुछ नहीं आता। ग्रेजुएट 4 लाइन लिखना नहीं आता, 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा। एक नया फरमान जारी कर गए हमारे कि एजुकेशन टू ऑल, कि 4 लाइन लिखने लायक स्कूल के बच्चे नहीं है, फेल भी नहीं करो, गरीबी को और गरीब रखने की साजिश रची जा रही है। कॉलेजों में लोग जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, उनको ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस शिक्षा पद्धति को ठीक नहीं किया। कोशिश लोगों ने की तो भगवाकरण बोल देंगे। आज देश के अंदर एक थोड़ा सामर्थ्य जगे कि आज किसी से पूछे हवाई जहाज किसने बनाया तो सब बता देंगे राइट ब्रदर्स, बॉम्बे चौपाटी के ऊपर तलपटे ने उड़ाया था उसको नहीं बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे अपने, अगर ब्रह्मगुप्त ने कहा था उसको नहीं बोले, कौन बढ़ाएगा? कॉन्फिडेंस लेवल इस देश का बढ़े, हम सब कुछ कर सकते हैं, सैटेलाइट भी कर सकते हैं, तो ये छोटा सा ये सेल बनाने में कोई मुझे दिक्कत नहीं आती है, बनना शुरू हो जाएगा, परंतु इस देश के अंदर वातावरण बनाएं, सामर्थ्य लोगों में है उस सामर्थ्य को जगाएं और केवल निराशा और केवल रोना धोना, सबसे ज्यादा टीबी, सबसे ज्यादा अंधे, अरे 130 करोड़ में अगर क्वांटिटी देखें तो सबसे ज्यादा मिलेगी,
परसेंटेज वाइज देखे तो पोलियो का उन्मूलन हमने किया है, बराबर के पाकिस्तान नहीं कर पाया। हमने लोगों को आज की तारीख में टेम्परामेंटली काफी ऊपर बढ़ाया है। भारत के 2.5 करोड़ बाहर के लोग और हम 120 करोड़ लोग, लगभग बराबर जीडीपी है। 10वीं शताब्दी तक हमारा जीडीपी पूरे वर्ल्ड का 25% था। हमारा एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड के टोटल में लगभग 20% था। $1 बराबर था 1947 में, आज 65 रुपये हुआ। तो हमारी नालाकियों की वजह से हुआ। हमने विदेशी मॉडल, चाहे कम्युनिज्म हो चाहे कैपिटलिज्म, उनमें ढूंढते रहे। गांधी जी के मॉडल पे चलते, लोहिया जी के मॉडल पे चलते, दीनदयाल जी के मॉडल पे चलते, या नेताजी सुभाष जी ने भी सबसे पहले प्लानिंग कमीशन की बात की। नेताजी सुभाष ने बड़े अच्छे अच्छे आइडिए दिए थे। उस देश ने कर्मठता से इस देश के ताकत को जगाया था। उस ताकत को आप ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाले भी भूलकर केवल अपने लेफ्ट साथियों के स्वर में सुर मिलाते, इस देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को जगाए। और केवल 4 स्टेट पीछे रह गई है। दक्षिण भारत आज किसी से कमजोर नहीं है, पश्चिम भारत आज किसी से पीछे नहीं है। हमारा ये नॉर्थ का जो हिस्सा, ये सब आज की तारीख में मुझे पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल घूमता हूँ, जिस गरीबी का रोना रोते हैं। केवल हरियाली है कि कुछ रेगिस्तान भी है, केवल पानी पानी है कि कुछ सूखा भी है। सूखा है ना, जब बढ़ते हैं बिहार, केवल भरे हुए पेट और फूले हुए गाल है कि चिपके हुए गाल और चिपके हुए पेट भी है। वो भी है, किसके कारण है और उनको ठीक करना है। हमने आपने वो बात अलग है, छोटे छोटे बिजली से ले लो, उसका मुझे ब्रेक के लिए बुला रहा है। सरकार की बात नहीं कर रहा ना, तो आपकी तो सरकार है। लाइए ना दीनदयाल जी का मॉडल, वही तो लिबरल इकोनॉमी पर चल रहे हैं। लाए हैं, मध्य प्रदेश में आया था, बीमारू स्टेट से बाहर आ गया है। बीमारू तिमारू क्या होता है, क्यों नहीं होता है? आप ही तुरंत उसको जो है बता रहे हैं, सब कर रहे हैं। 14 महीने में नर्मदा नदी शिप्रा नदी से मिल सकती है, इसका किसी मीडिया में प्रचार नहीं आता। 125 किलोमीटर जस्ट 14 मंथ्स में नर्मदा का पानी। अरे मैं तो देख के आया हूँ कि वहाँ जो, जरा पूरे एक सेकंड को, मैं देख के आया हूँ कि वहाँ का जो जलप्रपात था जबलपुर का, वो क्या नाम है उसका, अब वो जलप्रपात होकर के लगता है कि अब वो पानी, पहले तो आकाश से गिरता लगता, अब लगता है हमारे सिर के नीचे से गिर रहा है। ये तो नर्मदा की हालत हो गई है। पीने में, अरे सर मेरा घाटी में चलिए ना नाव से, लग गया गंदा पानी है वो बांधों के कारण। हाँ तो बांध बनेंगे, नर्मदा मैया की हालत बड़ी खराब हो गई। नर्मदा नदी पूरे गुजरात को पानी दे रही है, राजस्थान को दे रही है, रोकने वाली शक्तियां भी लग रही, बनाने वाली भी लग रही। इंदिरा जी ने कभी शिलान्यास किया था पूरी जाके, अब हुई है जी। ये सारी चीजें चलेंगी, लोकतंत्र स्टे भी चलेंगे, लिटिगेशन भी चलेंगे, रोकने वाली शक्तियां भी चलेंगी। उसके बावजूद सभी सरकारें कोशिश करती हैं, ईमानदारी कितनी है वो देखने वाली बात। चलिए दिलीप जी, आज का जो विषय था उसी हिसाब से राय भी निकल करके आ रही है। दो तरह की बातें हैं, एक जैसा गर्ग साहब कह रहे थे कि हम हीन भावना से ग्रसित हैं, हम अच्छी चीजों को देखना नहीं चाहते या देख नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है सच्चाई ऐसी भी है जो हम देख। विपुल, जो एजेंडा था कि आजादी का जो मकसद है, जो मकसद था, उसको हमने कितना हासिल किया, ये एजेंडा था, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि 47 के बाद से जब तक आजादी के लिए जो लोग लड़े थे, जब तक वो पीढ़ी रही, तब तक देश को वो आगे बढ़ाने के हर संभव उन्होंने कोशिश की, प्रयास किए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर चीज़ों को पीछे छोड़ के, अपने तमाम आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के उन्होंने देश निर्माण के लिए काम किया। उसके बाद जो पीढ़ी आई वो मक्कार पीढ़ी है, जो सिर्फ और सिर्फ, माफी के साथ, सिर्फ सत्ता की सियासत करते हैं इस देश में। जो आज़ादी जिस मकसद के लिए था, उस मकसद को सामने रख के काम करने वाली ना तो कोई पार्टी है, ना तो कोई राजनेता है। ये जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक के लिए काम करती हैं। इनको अगर सत्ता के लिए जो कुछ करना पड़े वो तमाम काम करेंगे। सत्ता के बाहर देखने की ना तो इनमें दृष्टि है, ना सोच है, ना समझ है, ना ही उन्होंने उस पीढ़ी से सीखा है। और जो सबसे बड़ी त्रासदी है कि यहाँ पे नेतृत्व नहीं है। अगर वो नेतृत्व होता तो जो काम हुआ है वो और स्पीड से होता, जो खामी है, जो गैप बढ़ा है, वो गैप नहीं बढ़ता, वो इंक्लूसिव होता। जो सबसे बड़ी कमी है कि आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस आज़ादी की मूल्य को आज समझने के लिए हम तैयार ही नहीं है, हमें जानकारी नहीं है जी, हम जानते नहीं हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी खामी है, डिस्कनेक्ट है। और जो आज़ादी के मकसद, अगर पूछे तो कितने लोग, आज बहुत सारे काम हुए, बिल्कुल हुए हैं, क्या वो काम पहले भी हो रहे थे? रेलवे तो ब्रिटिश ने भी बनाया था, तो उसका मकसद क्या, रेलवे मकसद क्या था उसका?
उसका था शोषण करना। आज जो है आप जो विकास कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? क्या उसका मकसद है राष्ट्र निर्माण करना या प्रॉफिट कमाना? उस प्रॉफिट कमाने कोई गलत नहीं है, बिजनेस अगर नहीं होगा, उद्योगपति नहीं बनेंगे, धन नहीं, एसेट बिल्डिंग नहीं होगा तो उससे भी काम नहीं होगा। लेकिन उस उन तमाम चीजों में जो इंक्लूसिवनेस लाना था उसकी सोच ही नहीं बनी। और वो सोच सरकारें जो होती है, जो नेतृत्व होता है देश का, जो यहां पे चूंकि हमने एक संसद, एक अलग तरह के जो संसदीय हमने एक प्रणाली को अपनाया, उसमें जो चीजें आप देखिए, संसद पिछले 10 साल से देखिए संसद किस तरह से काम कर रहा है, किन लोगों का कमिटमेंट क्या है। आप राजनेताओं को देखिए, वो जो यूपीए में थे आज कुछ एनडीए में है, जो एनडीए में थे यूपीए में चले जाते हैं। इनकी कौन सी सोच है? क्या राष्ट्र निर्माण के लिए जाते हैं? क्या इनकी कोई सोच है? और क्या ये नेता जो मंत्री बनते हैं, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी नेशनल फ्रंट में, कभी किसी फ्रंट में, इनकी पूरी की पूरी सोच देखिए, ये कभी दलित की, कभी मुस्लिम की, कभी हिंदू की, कभी कोई बात कर करके कुछ भी करते हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। तो सत्ता के बियॉन्ड जब नहीं देखेंगे आप, तो ये स्थिति पैदा होगी जो भारत में आज पैदा हुई है। और जब तक ये पावर पॉलिटिक्स, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स हो राष्ट्र निर्माण के लिए, अगर पॉलिटिक्स हो कि एसेट बिल्डिंग के लिए, अगर पॉलिटिक्स हो कि हमें लोगों को सेवा करना है, अगर वो सेवा भाव सियासत में आता तो देश की जो लोगों ने, जो 1947 से पहले आप देखिए, वो लड़ाई भी लड़ते थे और सामाजिक काम भी करते थे और निर्माण का काम भी करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग के उठने से काम चीजें बेहतर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी है, आप वैचारिक स्थिति को देखिए, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है किसी भी तरह की, देश के प्रति हो, निर्माण के प्रति हो, उनकी क्या वैचारिक प्रतिबद्धता है, कहां पे है जी? तो ये जो स्थिति बनी है, एक वहां पे है, और ये स्थिति गंभीर है। आप देखिए आज 160 जिले में किसी न किसी तरह का, 65 जिले में लगभग हिंसा की घटनाएं आपको मिलती है, कहीं आतंकवाद है तो कहीं नक्सलवाद है। वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, कौन है? सिर्फ गरीबी ही कारण है उनके पीछे, या गरीबी को जो शोषित है उसको एक्सप्लॉइट करने की एक सोची समझी साजिश भी है? उस साजिश को क्या हम बेनकाब कर पा रहे हैं, उससे हम लड़ पा रहे हैं, कितना लड़ पा रहे हैं? आप उससे लड़ने जाए तो कई तरह के सियासी वहां पे कथित सो कॉल्ड जो ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आइडियाज है, उनको अपोज करते हैं या उसका विरोध करते हैं। आप उनका शोषण कर रहे हैं, उनके गरीबी का शोषण करते हैं, आप उनके बेकारी का शोषण करते हैं। तो यहां जो आतंकवाद, यहां जो फला फूला है नॉर्थ ईस्ट में, उसके पीछे कौन लोग हैं? आज पाकिस्तान पे आप अटैक कर रहे, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जिस देश में नेतृत्व की खामी होती है उस देश में स्थिति पैदा होती है। और पहले ब्रिटिश ने किया, उसके बाद एक पीढ़ी ने लड़ी, पूरी 200 साल 150 साल की हमारी लड़ाई थी, उस लड़ाई को लगातार 60 और 70 के दशक के बाद अगर आप देखेंगे उसको कमजोर किया गया है, और वो कमजोर होते होते आज इस स्थिति पहुंचे हैं कि पिछले 15 साल के इतिहास को आप संसद को देख ले, आपको समझ में आ जाएगी देश की स्थिति क्यों है ऐसी। चलिए इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सवाल कई हैं, जवाब लेंगे तमाम खास मेहमानों के साथ, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि अब यहाँ से आगे के लिए क्या क्या बड़ी चुनौतियाँ भारत के सामने हैं और उनको अचीव कैसे किया जाए, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अब समय काफी कम बचा हुआ है। अवधेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए क्योंकि बीच में मुझे ब्रेक लेना है। ठीक है, बहुत समय कम है। देखो, गांधी जी ने बहुत साफ साफ कहा था कि हमारी लड़ाई जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं है, 2-4-5 हजार अंग्रेज रह जाएं उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ है। अंग्रेजियत का मतलब था कि उनकी शासन व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी शिक्षा प्रणाली, मनुष्य के बारे में उनकी सोच, उनकी सांस्कृतिक, उन सब के खिलाफ था। दुर्भाग्य से, चाहे भले दिलीप जी ये कह रहे हो, हमारे सामने एक संकट पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी आ गया था, जिसके कारण इस देश को कभी बैठ करके विचार करके और अपने देश की उस भारतीयता की दिशा को अंग्रेजियत से बाहर ले जाने की दिशा पर चलने का वो अवसर आया ही नहीं। उन जितना अंग्रेजों ने हमको अंग्रेज नहीं बनाया, अंग्रेजियत 1947 से 2015 तक हमने स्वयं को ज्यादा अंग्रेज बना लिया, उस अंग्रेजियत को स्वीकार
सुधार किया। अब मैं लंबाई में नहीं जाऊंगा, अगर आप कारण में जाएंगे ना तो मूल कारण वही दिखाई देगा आज भारत की सारी दुर्दशा का, क्योंकि भारत भारत आज नहीं है, भारत की मूल पहचान आज नष्ट हो चुकी है। हम चाहे आज खरबों रुपया बनाने लेकिन भारत हम नहीं है। चलिए हरकेश जी, आपको क्या बड़ी चुनौतियां लगती है भारत के सामने? बहुत संक्षेप में हम सब सिर्फ संक्षेप में ही बात करेंगे। राजनीति पहले सेवा का एक माध्यम थी, और अभी हम कह सकते हैं कि आज के 40 साल पहले भी जो लोग 45 साल पहले राजनीति में आते थे वही सोच के आते थे कि हम देश की सेवा करेंगे। जो फ्रीडम स्ट्रगल के मूल्य थे कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कलर, सेक्स, इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लोग ईमानदारी से काम करेंगे। एक उदाहरण आता है, हमको बताया एक बहुत ईमानदार और पुराने एक नेता ने जो कि अब नहीं है, मुरारजी भाई के साथ थे, कि एक कांग्रेस पार्टी के फंड का कोई हो रहा था लेखा जोखा कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। एक आना पैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी मणिबेन पटेल, उनको करना था वो, उसका हिसाब किताब वही देख रही थी, उसमें एक आने पैसे का, उस समय आना पाई में चलता था मामला, एक आने पैसे का कोई गलती आई, पटेल साहब ने सारे लोगों के सामने उनको डांटा कि कैसे गड़बड़ हुआ, इसको ठीक करो। तो ये सोच थी कि लोग एक एक पैसा देश का जो है कहीं गलत जगह पर ना खर्च हो जाए, इस सोच से काम करते थे। आज के वो मूल्य क्या है ये देखना पड़ेगा, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। चर्चिल ने हिंदुस्तान का के आज़ादी का विरोध किया था, लेकिन अपने भाषण में उसने कहा था कि देख आप देखना कि यह देश 25 साल के बाद, जब तक आज़ादी के लड़ाई के नेता हैं तब तक तो ये देश शायद ठीक चल जाए, उसके बाद इस देश के अंदर इतनी भयंकर अराजकता व्याप्त होगी और देश जो है बूटलेगर तक का सब इस्तेमाल किया था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये देश अराजक शक्तियों के हाथ में, गुंडा तत्वों के हाथ में चला जाएगा। वो स्थिति आज देश की राजनीति की बन रही है, ये भ्रष्टाचार और पैसा और कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम, ये डायनेस्टिक सक्सेशन, ये डिक्टेटरशिप पार्टियों के अंदर, ये सारी चीजें देश को कहां ले जा रही है, राजनीति कहां जा रही है, देश का कौन सा विकास होने वाला है। देवराजन साहब 30 सेकंड में जो है अगर आप अपनी अपनी टिप्पणी दें, क्या बड़ी चुनौती, बड़े लोगों के आपने चर्चा के लिए लिया है वो भी 30 सेकंड वाला नहीं है, मजबूरी है, लेकिन समय की प्रकार की मोड़ दिया है वो भी आपका 30 सेकंड में बोल रहे हैं, समय की मजबूरी आप बोले दीजिए। हम जरूर ये कहेंगे, देखिए गर्ग साहब ने भी एक बात यहाँ पर कहे है, जो हमारा जो इतिहास है, इतिहास ठीक तरीके से नया पीढ़ी के पास पहुंचाया नहीं है। 15 अगस्त 26 में दो दिन में तिरंगा का एक टुकड़ा किसी का हाथ में रखने से देश प्रेम नहीं होते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट के लोलने के समय भी देशभक्त पैदा नहीं होते हैं। देशभक्त आपका स्कूल कॉलेज से एक पाठ्यक्रम हिसाब से उसको तैयार भी करना पड़ता है। एक बड़ी किस्मत यही है हमारे देश में नहीं होते हैं। मैं अगर वक्त नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे पास एक नई किताब है, एक किताब है आपका ट्रांसफर ऑफ पावर के आधार पर ही लिखा हुआ, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर ऑफ पावर का, वॉल्यूम नंबर 6 में कहा जाते हैं हिंदुस्तान की आजादी कांग्रेस और गांधी जी की वजह से नहीं हुए है, नेताजी और INA की वजह से हुए है। ये कहा दूसरा कोई नहीं है, क्लेमेंट एटली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ था, उन्होंने खुद कहा था इट इज बिकॉज ऑफ सुभाष एंड INA वी फोर्स टू लीव इंडिया। देन उसको प्रश्न पूछा था, देन व्हाट वाज द रोल ऑफ किट इंडिया मूवमेंट एंड गांधी जी, हिज आंसर वाज वेरी वेरी मिनिमल, इट वाज रिपोर्टेड। ये आपका मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं, नहीं है, ये आपका यहां पर लिखा तो इसमें है डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ पावर, गरे भी थे सब के, अगर आप चाहते हैं तो बहुत गांधी योगदान को तो नहीं ना, ये इतिहास हमारा पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री नहीं है, सबका योगदान है, नहीं पाया है इसलिए हमारे देश का ये हालत अभी हुए है। ये इसका जो रिफ्लेक्शन आपका राजनीति सभी जगह पर आ गया है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी तो पॉलिटिक्स हम लोग सर्वे भी नहीं कर पाएंगे, इसको किस प्रकार की शिक्षा देना था उस प्रकार की शिक्षा हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा शिक्षा पद्धति एक बड़ा सवाल। बड़े लोग अपना आचरण ठीक करेंगे तब बड़ी चुनौती, अच्छी चीजें प्रारंभ हुई है। राजस्थान ने मिनिमम एजुकेशन की बात लाई है पंचायत के लिए, हरियाणा ने लाई है, धीरे धीरे शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिले, पर जैसी भी थी उसमें भी आज भी अंगूठा छाप दिल्ली के अंदर एक MLA हैं जो शपथ पढ़ने के लिए भी उतनी उनकी पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस देश के अंदर परसेंटेज में मैं नहीं जा रहा, इस देश के लोगों के अंदर आत्मज्ञान बढ़े, देश के प्रति स्वाभिमान बढ़े और उनके चरित्र का निर्माण के ऊपर ध्यान दें, बहुत जरूरी है। करप्शन नाम की जो बीमारी है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, गलत लोगों को चुनने की, इसलिए आज चुने जाते हैं लोग
कि जो वोट देने वाले बेचारे कोई जातिवाद में कोई लालच में चला जाता है, वो वोटर भी तो जब ठीक होगा तो पॉलिटिक्स भी ठीक होगी, पत्रकारिता भी ठीक होगी, जुडिशरी भी ठीक होगी, और मैं समझता हूँ देश में एक आशा और विश्वास का वातावरण बनाए और संकल्प लें कि हमारे उन शहीदों ने जो सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिए, उनके लिए जीने की, मरने वालों की जरूरत आज नहीं है, जीने वाले लोगों की जरूरत है, जरूरत है, और उनमें हम वो ऐसी संक्षेप में छोड़ी टिप्पणी क्या पड़ी। मैं जानता हूँ कि इस देश के आम लोगों ने कभी इस देश को नहीं लूटा है, उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, जिसको हम खास कहते हैं लूटने का काम हमेशा उसी ने किया है, तबाही का काम उन्होंने ही किया है। इस देश के आम लोगों में अभी भी अगर उनको उनमें आप देखिए सवेरे 5 बजे 4 बजे उठ के वो आजादी के नारे लगाते हुए जब निकलते हैं तो उनकी उनकी सोच अलग होती है। यहाँ पे जो लोग कई ऐसे लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं जो कल झंडा भी फहराएंगे और उसको किस तरह से वो चुने गए हाल में दिल्ली में ये सबको पता है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पक्का पता है कि जो आम लोग हैं देश के उनको पता है कि आजादी के मायने क्या है और उसकी लड़ाई वो लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश जी आपका, जी देवराजन साहब आपका, नंद किशोर जी आपका, अवधेश जी आपका, दिलीप जी आपका, इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन जो तमाम सवाल हैं उन सब पे गौर कीजिए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, अपने अपना चरित्र निर्माण करें, क्योंकि आने वाले समय को अगर हमको भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो उसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ जैन टीवी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।